हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एग्जिट पोल्स के अनुमान सामने आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती साफ दिखाई पड़ रही है। साफ शब्दों में कहें तो एग्जिट पोल्स के मुताबिक हरियाणा में फिर से मनोहर लाल की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ की तरफ से किए गए एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 71 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं, कांग्रेस को 11 और अन्य को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आर भारत के सी वोटर्स के मुताबिक बीजेपी को 52 से 63 और कांग्रेस को 15 से 19 सीटें मिल सकती हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को 5 से लेकर 9 सीटें तक हासिल हो सकती हैं। इनेलो की स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही, उसे महज 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यहां अन्य को 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान भी है। एबीपी के एग्जिट पोल की बात की जाए तो हरियाणा में बीजेपी के खाते में 73 और कांग्रेस को 11 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। तो ये सर्वे टाइम्स नाउ का, जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें बता रहा है, उसके अलावा उससे ज्यादा न्यूज 18 75 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस महज 10 सीटों तक सिमट जाएगी, TV9 भारतवर्ष 69 सीटें 11 सीटों तक सिमटती। और अब जरा महाराष्ट्र का भी आंकड़ा जांच लेते हैं। इंडिया टुडे एक्सप्रेस एक्सेस पोल, बीजेपी 180 यानी कि बीजेपी प्लस 180 कांग्रेस प्लस 80, सी वोटर्स 222 56 कांग्रेस प्लस। इसके अलावा न्यूज 18 बीजेपी को दे रही है 243 विद शिवसेना कांग्रेस प्लस एनसीपी 41 सीटें, अन्य को 6, TV9 भारतवर्ष 197 बीजेपी प्लस शिवसेना और कांग्रेस प्लस एनसीपी को 75 सीटें। तो इंडिया टुडे एक्सेस 180 सीटें दे रहा है बीजेपी प्लस शिवसेना को, कांग्रेस को 80